स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने 7 बजे के सेशन को। रेगुलर सेशन है हमारा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है ना। एक बार एक कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा क्या आप सभी को आवाज आ रही है मेरी। फिर स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। शेयर करना सारे के सारे ना, शेयर कर देना एक बार सेशन को, बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। ऑडिबल हूं मैं ना सभी को? चलिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं 7 बजे रेगुलर क्लास होता है, लेकिन मैं आपको एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा बताता हूं। बेटा याद रखिएगा, आप सभी के लिए मैं कल वाईफाई स्टडी चैनल पर दोपहर 2 बजे 10 मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूं। इस क्लास को जरूर देखना सारे के सारे, ठीक है? दोपहर 10 बजे आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो एक बारी, सो डेट कि आपके लिए ये आसान हो जाए, आपको पता चल जाएगी कल आपकी स्पेशल क्लासेस कहाँ कहाँ पे होने वाली है। दोपहर 10 बजे होने वाली है। उसके बाद मैं एक रात को 12 बजे एक सेशन करूंगा, इससे इंपोर्टेंट सेशन नहीं होगा आज तक का, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सेशन होगा दोपहर को, ठीक है? 2 बजे और उसके बाद रात को 12 बजे। और फिर सैटरडे की जो शेड्यूल है वो भी मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया, स्क्रीनशॉट कर लेना सारे के सारे। बाकी रेगुलर सेशन जो 7 बजे होता है वो होगा ही होगा, ठीक है बेटा? आप क्या करें, यूट्यूब पे जो भी बच्चा देख रहा है आप ये चीज कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप इंडियन पॉलिटी सर्च कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आप ना, ठीक है, एक ऐसा कंटेंट पढ़ पाओगे इंडियन पॉलिटी का जो थ्योरी है पूरी, यूट्यूब पे थ्योरी डाली हुई है ना, वो पढ़ सकते हो एक बार इंडियन पॉलिटी अगर आप सर्च करो। चलिए, आपके लिए कॉम्पैक्ट भी अवेलेबल है ना, बेनिफिशियल है यार कॉम्पैक्ट बहुत ज्यादा। मतलब कॉम्बैक से आप इतना स्कॉलरशिप जीत रहे हो, आपको बस संडे को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? संडे आने वाला है, अटेम्प्ट करिएगा सारे के सारे लाइव ऑन रेफर कोड यूज करके, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर लेना उससे पहले, प्लस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो आप। देखो यार, प्लस कोर्सेज तो इसलिए होते हैं कि आपकी मेहनत अगर आप कर रहे हो तो उसमें कोई कमी ना रह जाए, पूरी थ्योरी पढ़ाई जाए आपको, पूरा बैच आपका, पूरा फाउंडेशन क्लियर हो, आपका बेस क्लियर हो, ये सब कुछ प्लस कोर्स में 12 तारीख से स्टार्ट हो गए। सुबह 8 से लेकर दोपहर 12 बजे तक क्लासेज हो रही है। इस रेफर कोड से आप पूरा एक्सेस कर सकते हो, डिस्काउंट्स जितने भी मंथ हैं सभी के सभी फ्री आपको, जो 4 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो भी मिल जाएगा। सिंपल एसएससी गोल सिलेक्ट करिए, कस्टम क्लिक करिए, मंथ सिलेक्ट करिए और हैव अ रेफर कोड में रेफर कोड लगाइए, लाइव होगा। ये तरीका रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है? शेयर करना सेशन को जल्दी से, बताएगा हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है 7 बजे वाली क्लास का। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो अगर मैं क्वेश्चन ना पूरा तसल्ली समझो, यू हैव एटलीस्ट 1.5 आवर, ठीक है? तसल्ली समझो क्वेश्चन सारे, 100 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, टारगेट रखेंगे 100 से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं इस क्लास में रेगुलर, ठीक है? बताइए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु डिसाइड द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई जो सदस्य होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? बताइए कौन डिसाइड करता होगा आपके हिसाब से, बताइए कौन डिसाइड करता होगा? अब गलती क्या, जैसे अब इसमें ना बहुत सारे बच्चे आंसर लगा देते हैं सुप्रीम कोर्ट, वैसे आप तो थोड़े होशियार हो सारे के सारे, ठीक है, सही आंसर लगा रहे हो ऑलमोस्ट, पार्लियामेंट लगा रहे हो, संसद की, भाई संसद जो है डिसाइड करता है, ठीक है? तो ये तो बहुत ही बढ़िया है कि आप सही आंसर लगा रहे हो। चलो एक और क्वेश्चन देखो, शेयर करो। अगर मैं बात करूं चिंगम किसका बनता है ना यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, चिंगम किसका बनता है? हम खाते तो हैं, वैसे खाना नहीं चाहिए, दैट्स वेरी 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 हार्मफुल, ठीक है? लेकिन बनता किसका ये बताओ, बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चिंगम किसका बनता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए आंसर क्या होगा। सेशन को शेयर करिएगा जल्दी से, बताएंगे चलो बेटा आंसर क्या है, कुछ बच्चे बता रहे लेटेक्स इसका आंसर है, लेटेक्स का बनता है, ठीक है? किसका? लेटेक्स का बनता है। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन, ये ऐसा है अपडेट रखना है हमें करंट अफेयर। अगर हम इस क्लास में आते हैं 7 बजे, मैं कल भी आपको प्रायोरिटी बेसिस पे 7 बजे वाली क्लास कराऊंगा, ठीक है? हम सेशन को कंटिन्यू रखें। विवाद से विश्वास की जो स्कीम है ये किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए, विवाद से विश्वास जो स्कीम है किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए विवाद से विश्वास स्कीम किससे संबंधित है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर इसका डायरेक्ट टैक्स है, किससे? डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ना, अब अगर मैं बात करूं दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो इंस्टीट्यूट किया गया वो, देखो हम सभी जानते हैं अभी हाल फिलहाल का करंट अफेयर है कि रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है ना, रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, वी ऑल नो, ठीक है?
लेकिन दोस्त अगर आपसे ये कह दे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड बनाया कब किया था, कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाएगा क्वेश्चन करना है, इसलिए मैं आपको पूरी कवरेज दे रहा हूँ कि आपको कुछ छूटे ना। 25 out of 25 अश्योरिटी जो इस क्लास की मैं देता हूँ वो इसलिए देता हूँ कि मैं क्वेश्चन कवरेज करा रहा हूँ ये वाली। 1969 इसका आंसर है, अमिताभ बच्चन को मिला, विनोद खन्ना को मिला, रजनीकांत को मिला, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, और वर्ष कौन सा ये है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के कौन थे, एक डायरेक्टर थे, ठीक है, इन्होंने पहली मूवी जो है इसे डायरेक्ट किया था, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी है शट इट्स वीडियो गेमिंग स्ट्रीमिंग सर्विस, देखो बहुत सारी कंपनी है वीडियो गेमिंग की, बहुत सारी सर्विसेज दे रही है, उसमें से एक वीडियो गेमिंग स्ट्रीमिंग सर्विस है मिक्सर, जो कि अब है नहीं, थी, क्योंकि इस कंपनी ने इस सर्विसेज को बंद किया है फिलहाल के लिए। बताइए किसने बंद किया है फिलहाल के लिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक, किसके द्वारा बंद किया गया है ये सर्विस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शेयर करो यार सेशन को सारे के सारे, ए टू जेड बच्चे शेयर करो, रेगुलर क्लास में आओ शेयर कर दो जल्दी से। अगर मैं बात करूं इसका तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने, किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये किया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का मिक्सर है ये, ठीक है, दिमाग रखे जिसे, ठीक है, हाल फिलहाल में बंद किया गया। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर टोको, देखो मुश्किल है क्वेश्चन, मुश्किल है, लेकिन हाँ हम समय देंगे तो हमारे ये आने वाले समय में अगर ये क्वेश्चन आता तो आसान हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि टोपोग्राफिकल मैप जो होते हैं ना, टोपोग्राफिकल मैप जो होते हैं वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन टोपोग्राफिकल मैप्स बनाता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ना, टोपोग्राफिकल मैप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, पहले आपके आंसर देखना चाहूंगा, किसी ने नहीं बताया अभी तक, आंसर आपका आएगा तब करेंगे आगे क्वेश्चन, क्योंकि आपकी ही पार्टिसिपेशन से आपका सिलेक्शन होगा, हमारे पार्टिसिपेशन जो है 20% आपका 80% तभी सिलेक्शन है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर इस क्वेश्चन सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7 बजे रेगुलर पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एबनॉर्मल कंसिस्टेंट ऑफ यूरिन, देखो बिल्कुल बेसिक सवाल, कह रहे यूरिन में क्या चीज जो है ना आमतौर पर नहीं पाई जाती, ठीक है, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी ना तब पाई जाएगी, आमतौर पर नहीं पाई जाती, यूरिन में ऐसा क्या है जो आमतौर पे नहीं पाया जाता, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यूरिन में ऐसा क्या है जो आमतौर पे नहीं पाया जाता, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सॉल्व करो। चलो जी, अब देखो इसमें एक तो कीटोन बॉडीज लिखा हुआ है, यूरिया और यूरिक एसिड डन है, ठीक है, लेकिन इसमें कीटोन बॉडीज लिखा है, क्या कीटोन बॉडीज इसका आंसर होना चाहिए, क्या कीटोन बॉडीज इसका आंसर होना चाहिए, अरे भाई एबनॉर्मल लिखा है, यूरिन में यूरिया नहीं होगा क्या, जो बच्चे यूरिया बता रहे मुझे बताओ यूरिन में यूरिया नहीं होगा क्या, फिर यूरिन किस काम का, वो समझ रहे हो, ठीक है, थोड़ा ना ऐसा क्वेश्चन ना थोड़ा सोच समझ के कॉमन सेंस से आंसर देना है, यूरिन किस काम का अगर उसमें यूरिया ना हुआ, ठीक है, तो यूरिया तो मत बताओ आंसर एटलीस्ट, ठीक है, यूरिया बता रहे हो आंसर, आंसर कीटोन बॉडीज नहीं होती है इसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए बताइए, कोर पार्ट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, बड़े अच्छे क्वेश्चन, जैसे मैं कल आपको एक स्काई रोज बता रहा था, ठीक है, उससे पहले मैंने मित्रा शक्ति बताया था, और भी बहुत सारे आपको मैंने मिलिट्री एक्सरसाइजेस बता दिया आपको इस क्लास में 7 बजे, ऐसे ना मिलिट्री एक्सरसाइज है कोर पार्ट, सवाल पूछा गया कोर पार्ट एक्सरसाइज जो है ना इंडिया किसके साथ करता है, और ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज पे कि कौन सा ये जो है ना एक्सरसाइज किसके साथ होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज किसके साथ होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, सोल्व कर दो खुद ही, ज्यादा समय है नहीं है, हमें पूरा क्वेश्चन कर, बांग्लादेश बता रहे बच्चे आंसर, ठीक है, बांग्लादेश आंसर है, प्रकाश सबसे पहले आंसर देने वालों में से एक, गुड प्रकाश, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बांग्लादेश, बेटा शेयर करो यार सारे के सारे, है ना, बाय होम द रिकॉर्ड, देखो मान लो कोई एक नई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ मुझे उसकी अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना, तो उसकी भाई मैं पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें इतने सदस्य मेरे सपोर्ट में है, बताइए कौन देगा ये अनुमति, बताइए रिकॉग्नाइज कौन करता, मान्यता कौन देता कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, और बहुत मुश्किल नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी बना, ठीक है, आंसर क्या है, आंसर है रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन, ठीक है, आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदल गए हैं,
सवाल आ सकता है। सारे के सारे अपडेट जरूर देखो, इस क्लास में मैं करा दूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी बनते हैं, जो भी क्या बोलते हैं हमारे कैग बन रहे हैं, ये सब चीजें क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन बहुत कुछ होगा, 2000 क्वेश्चन की सीरीज है। एग्जैक्ट 7 बजे होती है। कल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कल 200 पार क्वेश्चन कराऊंगा इस क्लास में। कल इस क्लास में 200 पार क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक बच्चा जुड़ेगा, 200 पार क्वेश्चन करते हैं हमें कल, ठीक है। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन हैव बीन सिलेक्टेड टू अर्जुन अवार्ड? देखो, हैव बीन इलेक्टेड मतलब उनको अवार्ड मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड कितने स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है, जल्दी से बताएं। अर्जुन अवार्ड कितने स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए। कितने स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला? ये इलेक्टेड नहीं है, इनको मिल चुका है, बताइए। 30 हैं, 25 हैं, 27 हैं, 22 हैं, कितने अर्जुन अवार्ड, ठीक है। आपने जो भारत खेल रत्न है ये सब आपने सुन लिया होगा, 27 इसका आंसर। 27 जो है ना खिलाड़ी, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कोई कहेगा सर ये जस्ट डू इट बड़ा फेमस है, लेकिन ये पढ़ाने की क्या जरूरत है बेटा। बहुत से ब्रांड के नाम जो है ना, उनके टैगलाइंस के ऊपर क्वेश्चन आने लग रहे हैं। हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जस्ट डू इट फेमस है, हालांकि आप सभी को जब पता होगा ये किसका टैगलाइन है, जल्दी से बताइए। जस्ट डू इट किसका टैगलाइन है, जल्दी से बताइए। जस्ट डू इट किसका टैगलाइन है दोस्त, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ये नाइक का, किसका टैगलाइन है, फेमस है जस्ट डू इट वर्ड, ठीक है। स्पोर्ट्स शूज जितने भी होते हैं उसमें नाइक में ये लिखा होता है, जस्ट डू इट, और ब्रांड प्रमोशन इन सब में भी होता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन आले क्या आता है। स्मॉलेस्ट कंट्री, अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में, अगर मैं आबादी की बात करूं, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आबादी की बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही है, आबादी की अगर मैं बात करूं तो आबादी के नाम पर दुनिया के सबसे छोटे देश का नाम क्या है? दुनिया के सबसे छोटे देश का, हम बहुत स्पेसिफिक चल रहे हैं इस क्लास में कि टारगेट सभी एग्जाम हो जाए। किसी भी एग्जाम में 25 क्वेश्चन जीके के अगर आते हैं वो इस क्लास 7 बजे वाली क्लास से पूरे हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो वी हैव टू टारगेट दिस, ठीक है। 7 बजे क्लास, इसलिए मैं आपके लिए रखता हूं आंसर क्या इस क्वेश्चन का। वेटिकन सिटी, बहुत कम आबादी है इस देश की, ना के बराबर है हमारे देश के किसी सिटी के किसी शहर की आबादी के जितना, ठीक है, किसी शहर के किसी सिटी की आबादी के जितना, इतना आबादी है बस, ठीक है, चलिए कह सकते हैं, ठीक है, मे भी किसी गली के जितना, ठीक है, हो सकता है। करेंसी ऑफ म्यांमार, म्यांमार की, म्यांमार के ऊपर क्यों पूछा जा रहा है ये, मैं 2-3 सवाल हैं इस पे जो आपको म्यांमार के ऊपर आ सकते हैं। जैसे पहले इस क्वेश्चन को देखो कि म्यांमार की करेंसी क्या है, सब जानते हैं म्यांमार की करेंसी क्या है। मैं इसके साथ 1-2 सवाल और बताऊंगा। म्यांमार पे मिलिट्री कूप चल रहा है इस समय, पहला तो मिलिट्री कूप का विवाद हो रहा है, बहुत ज्यादा मिलिट्री कूप का बहुत ज्यादा विवाद है, ठीक है, कि भाई मिलिट्री के अंदर आ गया सब कुछ। दूसरा, इन्होंने एक INS को क्या बोलते हैं अडोप्ट, मतलब कह सकते हैं, ठीक है, लिया है अपनी नेवी में, INS सिंधुवीर, क्वेश्चन आ सकता है INS सिंधुवीर, ठीक है, INS सिंधुवीर पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसलिए करा रहा हूं। INS सिंधुवीर किसका है, तो अभी ये म्यांमार का है। और करेंसी कौन सी है, वी ऑल नो, ठीक, क्या है ऐसे ही टका, ठीक है, बांग्लादेश और ये सब चीजें, रुपीस, इंडिया तो पता ही है, डॉलर अपना अमेरिका और बहुत सारी जगह, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। सोल्व करिए क्वेश्चन को, शेयर करिए सेशन को, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। और बढ़िया कंटिन्यूटी बना, 1 घंटा अगर किसी एक यूट्यूब क्लास में पढ़ ले रहे हो ना तो समझ लेना बहुत कुछ कर ले रहे हो। लेकिन कभी स्पेशल क्लास होती है तो वो मैं आपको बता चुका हूं, कल दोपहर को वाईफाई स्टडी पे 2 बजे स्पेशल सेशन है, मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट SSC के, ठीक है, 1 साथ 1 क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेटेड एवरी इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इन नागालैंड? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या है बताइए, कौन सा फेस्टिवल है जो नागालैंड में कोहिमा शहर में 2 दिसंबर को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक है। अगर मैं बात करूं कि भाई ये 2 दिसंबर को बनाया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल दे रखा है, बड़ा फेमस है हॉर्नबिल, किताब भी है NCERT की इंग्लिश वाली, है ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। कोहिमा शहर में, नागालैंड की जो राजधानी है ना कोहिमा, कोहिमा बहुत फेमस है, यहां में मतलब बिल्कुल हलचल हो जाती है, जैसे दिवाली है ना नॉर्थ इंडिया में, वैसे ही
कोहिमा शहर में नागालैंड में होनबिल टाइप होता है, मतलब बहुत प्रोस्पीरियस फेस्टिवल में से एक माना जाता है। ठीक है बताइएगा। देखो यार ये सब सब जानते हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, विच वन कंपनी इज द ओनर ऑफ टिकटॉक, बताइए कौन सी कंपनी टिकटॉक की ओनर है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी कंपनी टिकटॉक की ओनर है बेटा, शेयर करना सेशन को, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है शेयर करो जल्दी से, आंसर बताओ कौन सी कंपनी टिकटॉक की ओनर है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बाइट डांस। ठीक है आसान है क्वेश्चन, उम्मीद है आपको सभी को आता है, बाइट डांस इसका आंसर है। ठीक है दिमाग में रखिएगा, बाइट डांस इसका आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, सोल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या। देखो क्वेश्चन क्या कहता है समझो, कह रहा है एलोकेशन ऑफ प्लेसेस फॉर ईच स्टेट इज बेस्ड इन द प्रेजेंट लोकसभा, कौन से सेंसस पे, जैसे मान लो यूपी की सीट सबसे ज्यादा है लोकसभा, मान कह लो यूपी की सीट सबसे ज्यादा है, किसी स्टेट की और कम है, जम्मू कश्मीर की और कम है यूनियन टेरिटरी एज ए यूनियन टेरिटरी। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन से सेंसस के आधार पे इसे डिसाइड किया गया। ठीक कौन से सेंसस के आधार पे इस चीज को डिसाइड किया गया कि किस स्टेट की कितनी जो है सीट होगी, एलोकेशन ऑफ प्लेसेस जो है सीट जो है कितना होगा किस सेंसस पे, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक। ठीक है हिमाचल प्रदेश बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक है एक। चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर है 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग, 1971 सेंसस। बेटा रेगुलर क्लास है, डेली क्लास है 7 PM, डेली क्लास है 7 PM फिक्स टाइमिंग, कल भी 7 बजे। बताइए इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, आगे अपना इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, मान ले आपसे सवाल कोई पूछे कहे कि यार इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश कौन करता है बताओ, दोस्त हमें नहीं पता। ठीक है कौन पब्लिश करता है जल्दी से बताइए, कौन पब्लिश करता है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शेयर करिएगा सेशन को जल्दी बताइएगा, रेगुलर आने की हैबिट डालो, रेगुलर आने की हैबिट डालो क्लास में। आंसर क्या है बेटा, इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऐसे बजट कौन पब्लिश करता है, ठीक है ये सब कुछ आपसे बहुत बार पूछा जाता है, कौन इकोनॉमिक सर्वे, कौन बजट, कौन यूपीएससी की रिपोर्ट किसको दी जाती है, ये सब सवाल आपके इसी 7 बजे वाली क्लास में कवर हो जाएगा। ठीक है बस इतना याद रखना, दोपहर 2 बजे मॉक टेस्ट कर लेना, 10 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एक साथ करोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है विच पावर जनरेशन कंपनी हैज बीन रैंक्ड एट द फर्स्ट पोजीशन इन इट्स लिस्ट मेड बाय मैरकॉम कैपिटल, ये अपडेट है, ये अपडेट है, मैरकॉम कैपिटल की एक लिस्ट आई और ये पावर जनरेशन कंपनीज के ऊपर लिस्ट होती है, और पूछा जा रहा है कौन सी पावर जनरेशन कंपनी जो है फर्स्ट रैंक पे रही ऑल ओवर। ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैरकॉम कैपिटल के अनुसार कौन सी कंपनी सबसे आगे। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है शेयर करना, हाँ बिल्कुल डियर सिमरन, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हर चीज आपका बाय वर्ड आपको बोल के बता दूं। ठीक है आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है आंसर अदानी पावर। देखो अदानी ग्रुप इसलिए इंपोर्टेंट होता जा रहा है, ये क्यों रैंक पे आया है, पहला बार ये इसलिए रैंक पे आया क्योंकि ये इकलौता प्राइवेट कंपनी है, भारत का इकलौता प्राइवेट कंपनी है जो कि कोल माइन की ओनरशिप करता है, कोल माइन का ओनर है, किसका ओनर है, कोल माइन का ओनर है, मैंने इधर ऐसे लिखा स्पेलिंग गलत है, कोल माइन जो है ना उसकी ओनरशिप करता है। ठीक है अदानी ग्रुप, ठीक है बहुत फेमस है अदानी ग्रुप, अदानी ग्रुप ही इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, ठीक है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 79% स्टेक होल्डर है, 79% स्टेक होल्डर है, इस वजह से ये इस टॉप में आया है, मतलब कुछ पर्टिकुलर लेवल पे अदानी ग्रुप पहुंच गया इस समय, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत सारी चीजें, लाइव अमन रेफर कोड से आप आर अकेडमी का कोई भी ऑफर ले सकते हो, ये मेरा रेफर कोड है, यूज इट एवरीवेयर ऑन आर अकेडमी, ठीक है जहां जहां यूज कर सकते। आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूं सब ऑफर मिल जाएंगे, देखो ये इक्वालिटी पे है, आर्टिकल 14 क्या प्रोवाइड कराता है हमें जल्दी से बताइए, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोवाइड कराता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है ठीक है जी आंसर क्या, इसको बड़ा आसान है, देखो हम इसमें एक बस ये स्टेटमेंट देखें, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और दूसरा लिखा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही लिखी है, दिस इज द स्टेटमेंट जो लिखा हुआ, ठीक है आर्टिकल 14 के ऊपर,
ठीक है, और इसी को याद भी रखना है। आर्टिकल 14 भी याद रखो, 15 भी याद रखो, 16 भी याद रखो, 17 भी याद रखो, 18 भी याद रखो, और एक वर्ड इडियट याद रखो, इडियट याद रखो। इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी, टाइटल, इडियट वर्ड 14, 15, 16, 17, 18, और बाकी चीजें आप मुझसे सीख सकते हो 7 बजे रेगुलर आने पे, ठीक है, और चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करें, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक ड्रग यूज, ठीक है, बताइए एनाल्जेसिक ड्रग इसमें से कौन सा है, कॉमन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शेयर करना बेटा, अगर आप रेगुलर आ रहे हो इस क्लास में तब फायदा है। मैंने आपको वादा कर रखा है 20 दिन में आपकी जी के सुधार देंगे, 20 दिन में अगर रेगुलर आ रहे हो, चाहे आप आज आ रहे हो आज से 20 दिन काउंट कर लो, अगर आप पीछे आ रहे हो 4 दिन हो गए आते हो 4 दिन से 20 दिन काउंट कर लो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन 20 दिन एग्जैक्ट जीके सुधर जाएंगी 7 बजे एग्जैक्ट, मैं एक भी क्लास मिस नहीं कर रहा इसी चक्कर में, ठीक है। एस्पिरिन इसका आंसर है, एस्पिरिन इसका आंसर है, वी ऑल नो एस्पिरिन यूज किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का सस्ते सवालों में से एक, बहुत सस्ता सवाल, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो कईयों का घर है, ठीक है, बताइए, है ना, सॉरी जनेवा, है ना, जनेवा कईयों का घर है, आधे ज्यादा चीजें दुनिया की जनेवा में है ना, आधे ज्यादा चीजें, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके बाद मेटलर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यही पे है, ठीक है, वो भी यही पे है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही पे है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही पे है, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, BIS, ठीक है, BIS भी यही पे है बेटा, याद रखिएगा, हाँ, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि जनेवा में है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन एक सेकंड में लिख दिए, आपको याद करने में भी समय लगे, ठीक है, BIS क्या है, BIS क्या है, जल्दी से बताइए, व्हाट इज BIS जो जनेवा में, बताइए व्हाट इज BIS जो जनेवा में है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, दुनिया के जितने बड़े बैंक है जैसे RBI, फेडरल बैंक, इन सब का बड़ा बैंक जो है BIS कहलाता है, ये सब जनेवा में, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, कैपिटल, पेरू की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए, ठीक है, बताइए, ठीक है बेटा, सबसे पहले तो आप ये याद रखना 7 बजे रेगुलर क्लास होगी, और दोपहर 2 बजे मैं कल स्पेशल मॉक टेस्ट की सीरीज लाऊंगा और पूरा मॉक टेस्ट कराऊंगा एक क्लास में, मैं ज्यादा समय नहीं, मैं अपनी क्लास फिक्स रखना चाहता हूँ 7 बजे, और कोई क्लास नहीं लेना चाहता हूँ यूट्यूब पे, फिक्स यही रखना चाहता हूँ बस, लेकिन कल मैं आपको कहूंगा एक दिन आ जाओ दोपहर 2 बजे से लेके दोपहर 5 बजे तक, ठीक है, पूरे पेपर सोल्व कर लेंगे, ठीक है, बड़े कैपिटल ऑफ पेरू आंसर क्या इस क्वेश्चन का लाइन, और इसी चैनल पे आना वाईफाई स्टडी पे, एक और क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, पहला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो है एनवायरनमेंट पे कहां पे हुआ था, जल्दी से बताइए, बताइए पहला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कहां पे होता है, जल्दी से बताइए, आसान है क्वेश्चन, ठीक है, व्यू ऑल नो, ठीक है, आसान है, स्टॉकहोम में, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे इसमें ना कंफ्यूज होते हैं कि सर एनवायरमेंट से रिलेटेड कह रहा है, रायो डी जेनेरियो तो नहीं है, रायो डी जेनेरियो तो नहीं है, ठीक है बेटा, वो अलग है, ये अलग है, वो यूएन का, यूएनईपी का, ठीक है, दिमाग पर रखेगा, चलिए अलग अलग क्वेश्चन है, शगुन एक फ्लैगशिप स्कीम है किसके लिए, बताइए कौन सी स्टेट के लिए शगुन इज अ फ्लैगशिप स्कीम, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो यार ये ना आप एक तो ये याद रखो स्टेट कौन सी है, मैं पहले बताऊं ये शगुन एक पोर्टल भी है, शगुन एक पोर्टल भी है बेटा, याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो अ पोर्टल, पोर्टल भी है, और ये पोर्टल किसके लिए है, एजुकेशन के लिए है, ठीक है, फॉर स्टडीज, फॉर एजुकेशन, किस स्टेट का है, जल्दी से बताइए, साथ के साथ बता दो किस स्टेट का है, एजुकेशन पोर्टल है किस स्टेट का है, आंसर क्या है, चलो जी आंसर नहीं आया अभी तक कईयों का, पंजाब इसका आंसर है, शगुन एक पोर्टल भी है एजुकेशन के लिए, ठीक है याद रखना, और अगर स्कीम बोला जाए तो पंजाब की स्कीम, ठीक है, वैसे भी कह सकते हैं पंजाबी लोग देते हैं शगुन वगुन, है ना, आखा आम होती है ये बातें, है ना, तो वैसे याद कर सकते हो इसको, एक और क्वेश्चन देखो, फेमस है ये उत्तर,
आर के नारायण, तीन दे रखी हैं ऐसी किताबें जो इन्होंने ऑथर की हैं और एक दे रखी है जो इन्होंने ऑथर नहीं करी। मती क्या इन्होंने ऑथर नहीं किया है, किसके ये ऑथर नहीं है, बाकी सभी के ऑथर है, कमेंट करिए। अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको, शेयर करो सेशन को ज्यादा से ज्यादा और क्वेश्चन को समझो, ठीक है। बताइए आर के नारायण ने किस चीज की, ठीक है बेटा। आप 7 बजे आके ना जीके साइंस करंट अफेयर स्टैटिक जीके चार, जो चार चीजें जो है ना सारी जो 25 क्वेश्चन की आती हैं सब टारगेट मार रहे हो, ठीक है, दिमाग में रखना आंसर किसको। जैसे ये स्टैटिक जीके टू लीव्स एंड बर्ड इसका नहीं है, बाकी इनका नहीं है, सॉरी बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश टीचर और वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सब किसका है, आर के नारायण जी का है, ठीक है। बहुत फेमस व्यक्ति हैं, जो ऑथर बहुत फेमस होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन साइंस का, ठीक है, साइंस का बड़ा ही आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जैसे ये क्वेश्चन समझो, पहले समझो, समय अपने पास इतना बेटा, थोड़ी सी बफरिंग हो रही है क्लास में, ठीक है, थोड़ी सी बफरिंग हो रही है, क्लास पूरी देखिएगा, ठीक है, 1 सेकंड का बफरिंग है, होगा लेकिन कभी कभी हो जाता है। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, 1 सेकंड का बफरिंग है, ठीक है। ऐसा अगर बफरिंग अगर हो रहा है ना क्लास में तो समझो थोड़ा बहुत भगवान हम पे नाराज हैं किसी काम को लेके, लेकिन अपना क्लास पूरी देखो, है ना, कभी कभी हो जाता है ऐसा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइएगा, शेयर करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन क्लास पूरी देखो। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, मतलब एक जनरेशन से दूसरे कैरेक्टर जनरेशन में अगर कैरेक्टर जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लो मेरी हाइट बहुत लंबी वैसे है नहीं है और यही कैरेक्टर मेरे ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाए, इट्स आस्किंग व्हाट प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस हो जाएगा, बताइए प्रोसेस कौन सी, आंसर क्या होगा बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो बेटा प्रोसेस कौन सी है, याद रखिए जेनेटिक, जेनेटिक जाएगा किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू जाएगा, डीएनए के थ्रू जाएगा, है ना, डीएनए क्रोमोसोम्स के थ्रू जाएगा, प्रोसेस कौन सी है, जेनेटिक्स है। गलती कर रहे हो ना, यही तो चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, जो बच्चे जीन बता रहे ना बेटा किसके थ्रू जाएगा ये नहीं पूछ रहा है, क्या प्रोसेस है ये पूछ रहा है, जेनेटिक्स प्रोसेस होती, सवाल को समझो, गलत मत करो, जल्दी मत करो किस चीज की, ठीक है, जल्दी का काम किसका होता है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो। यूथ डे किस दिन मनाया था, वर्ल्ड यूथ डे, नेशनल यूथ डे नहीं है, जल्दी से बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन, बच्चे कुछ इस चीज में जल्दी करते हैं, 1 सेकंड की बफरिंग होती है, सोचते हैं यार जल्दी से निकल लेते हैं क्लास से, किसी को क्या पढ़िए, ठीक है, बहुत नुकसान है ऐसी चीजों का, ठीक है, 1 घंटे की क्लास स्किप करके तो मैं 1-2 मिनट की बफरिंग के ऊपर क्लास छोड़ देते हो। वर्ल्ड यूथ डे जो है किस दिन सेलिब्रेट किया था, जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन आंसर क्या इस क्वेश्चन का, देखो वर्ल्ड यूथ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 12 अगस्त को, और ये नेशनल यूथ डे नहीं लिखा हुआ दोस्त, ठीक है, गलती मत कर देना, ठीक है, वर्ल्ड यूथ डे 12 अगस्त को होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ जी ये फॉर्मूला है सिंपल सा कि भाई जो गैस की डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, जल्दी से बताइए। वैसे डेंसिटी क्या होती है, मास और वेट होता है ना, इट्स मास और वेट, है ना, मास और वेट होता है, तो उस हिसाब से उसका फॉर्मूला क्या है, एमपी बाय आरटी इसका फॉर्मूला है, ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, स्किप मार सकते हो, ये क्वेश्चन करना है। इसी साल लास्ट ईयर एक ना पेस्टिसाइड्स को, ठीक है, बैन करने के लिए पैनल बनाया गया, उसके चेयरपर्सन कौन बनाया गया, जल्दी से बताइए, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पेस्टिसाइड्स को बैन करने के लिए, 27 पेस्टिसाइड्स को बैन करने के लिए एक चैनल बनाएगा, पैनल बनाएगा, उस पैनल के चेयरपर्सन कौन थे, ठीक है, आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टीपी राजेंद्र ने, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, दिस इज क्लियर कट फैक्ट, टीपी राजेंद्र उसके क्या थे, चेयरमैन थे, हाँ लेकिन ये है कि याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, नॉन न्यूमेरिकल, रात को 10 बजे का भी लिंक दूंगा आपको तसल्ली से, ठीक है, लूसन की क्लास करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इन द आईटी टेक्निक दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द बैंडविड्थ, बताइए इसमें से बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी आईटी टेक्निक है जो हम बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा आ सकता है ना, सोल्व करो। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा आईटी और या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें जानते हो, मेमोरी इंटरलीविंग एक ऑप्शन में दे रखा है, दोनों ऑप्शन एक जैसे दे दिए, ठीक है, कोई सा भी लगा दो, यू ऑल हैव बी और सी एज अ चॉइस, ठीक है, मेमोरी इंटरलीविंग इसका आंसर है, ठीक है,
मेमोरी इंटरलीविंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए होती है, जिससे कनेक्टिविटीज बढ़ती है। ठीक है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बताइए बेटा, शेयर करना सेशन को हर एक बच्चा, बेटा जो भी बच्चा देख रहा है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है ना, तब आप एक बार यार लाइक करिए बढ़िया तरीके से सेशन को, है ना, सारे के सारे, अगर आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा है। ठीक, कंटेंट है, बहुत मेहनत से बनाएंगे, 7 बजे कंटेंट रेगुलर है, और इवन आपको कल दोपहर को स्पेशल सेशन मिलेगा, रेगुलर क्लास नहीं है, लेकिन स्पेशल सेशन जो होगा 10 मॉक टेस्ट होंगे दोपहर 2 बजे इसी चैनल वाईफाई स्टडी में। ठीक है, गोदाल राज इंटरनेशनल बुक फेयर GIBF कहते हैं इसे, ये फेमस है, और ये किस देश में ऑर्गेनाइज किया गया, GIBF जो है ये बुक फेयर कौन से देश में ऑर्गेनाइज किया गया, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कौन से देश में इसे ऑर्गेनाइज किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर क्या है, इसे कौन से देश में ऑर्गेनाइज किया गया, बेटा याद रखिए मैक्सिको में। कहां पे? मैक्सिको में ये जो बुक फेयर है। ठीक है, वैसे इंटरनेशनल बुक फेयर भी होता है, इंडिया में भी होता है, ठीक है, लेकिन ये भी इंटरनेशनल बुक फेयर ही है जो मैक्सिको में ऑर्गेनाइज किया गया। अच्छे क्वेश्चन में से एक पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नियर बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर द, ठीक है, पैलेटिना टेम्पल लोकेटेड, बताइए जो टेम्पल है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ये कहाँ पे, पैलेटिना मंदिर जो है ये कहाँ पे, कौन से शहर के पास जो है ये मंदिर लोकेटेड है, जल्दी से बताइए। कौन से शहर के पास ये मंदिर लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है। चलो दोस्तों, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, हमें पता होना चाहिए, बहुत ऐसा है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, भावनगर इसका आंसर है। ठीक है, आंसर इसका ये है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, याद रखना, कोई मिस मत करना यार, ये बड़ी मेहनत से मैंने मॉक टेस्ट बनाया है, मॉक टेस्ट बनाने पड़ते हैं, इतने सारे क्वेश्चन पिछले साल के SSC के क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, 10 मॉक टेस्ट एक साथ करा दूंगा, मतलब आप दोपहर 2 बजे आ जाओ, 2 क्लासेस में निपटा देंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, 2 क्लासेस में निपटा देंगे, 2 बजे आ जाओ दोपहर को, कहां पे, इसी चैनल वाईफाई स्टडी चैनल पर, कब, कल बेटा फ्राइडे, यानी कि कल अपनी क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दोपहर 2 बजे, जहां पे आपको मेरा मॉक टेस्ट का थंबनेल दिखाई दे, उस क्लास को ओपन कर डालना। ठीक है, मॉक टेस्ट कल बहुत होंगे, मेरे वाला ओपन करके देख लेना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कौन से वर्ष में पास किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन है, RTI, बेटा RTI कौन से वर्ष में लागू किया गया, बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, RTI कौन से वर्ष में लागू किया गया, कब है बेटा, कल है, कल फ्राइडे है ना, कल दोपहर को 2 बजे। ठीक है, आंसर 2005 में, ठीक है, RTI लागू करेंगे, RTI एक्ट जो है लागू किया गया। आसान बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए, V.S. Gaitonde रिसेंटली, इनका निधन तो नहीं हुआ, ठीक, किस प्रोफेशन से संबंधित है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। V.S. Gaitonde, एक Gaitonde बड़ा फेमस कैरेक्टर है, कौन सी मूवी का फेमस कैरेक्टर है Gaitonde, Gaitonde। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बेटा Gaitonde क्या है, आर्टिस्ट, वैसे फेमस कैरेक्टर भी मूवी का ही है। ठीक है, फेमस तिरंगा, शायद तिरंगा मूवी है ना, आर्टिस्ट कलाकार। एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी सकता है और वैसे बहुत बार आ चुका भी है। ठीक है, दिमाग पर रखना, आ चुका भी है क्वेश्चन। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। ठीक, चलिए, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, देखो यार, अगर मैं बात करूं, ये फेरा है, रेगुलेशन एक्ट था ये, किसी समय में ना एक रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था इंडिया में, जो एक तरीके से ना लाइसेंस राज को रेगुलेट कर रहा था, कि मतलब लाइसेंस राज था। ठीक है, बहुत बड़े आला अधिकारी रेगुलेशन के नाम पे बहुत कुछ लेते थे। ठीक है, इस रेगुलेशन को बदल के क्या कर दिया गया, देखो मैं आपको बेसिक सा फंडा बताऊंगा, इस रेगुलेशन वर्ड को बदल के, आर का वर्ड बदल के, मैं ये क्या कर देगा, मैनेजमेंट। ठीक है, आप रेगुलेट नहीं करोगे, मैनेजमेंट करोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बदलाव था, सही बदलाव था। ठीक है, रेगुलेशन का नाम बदल के मैनेजमेंट कर दिया, फेरा का फेमा कर दिया। ठीक है, इससे थोड़ा सा लाइसेंस राज थोड़ा सा कम हो गया, फेमा कर दिया। ठीक है, दिमाग रखिएगा, आंसर इसका फेमा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख, सिलिकॉन वैली इंडिया की किसे कहते हैं, बताइए, किसे इंडिया का सिलिकॉन वैली कहते हैं,
बेटा आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, हम तो 1-1.5 घंटा पढ़ाते रेगुलर। अभी मैं आपको एक एसएससी ग्रुप में पेपर कराऊंगा, ठीक है? पेपर भी जरूर है आपके लिए, बढ़िया इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, ठीक है? आंसर क्या इस क्वेश्चन का? बेंगलोर इसका आंसर है। क्या इसका आंसर? बेंगलोर इसका आंसर। बेंगलोर है ही भाई, सब कुछ तो बेंगलोर में है, जितने भी आईटी से संबंधित जो भी चीजें हैं ये सब बेंगलोर में है, ठीक है? दिमाग पर रखिएगा। विच टेनिस प्लेयर वॉन द 13th फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल? जल्दी से देखो, कौन से टेनिस प्लेयर 13th फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल को जीते हैं? जल्दी से बताओ, अच्छे क्वेश्चन में से एक पूछा जा सकता है, कौन से टेनिस प्लेयर जीते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 13th फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल कौन जीते हैं? जल्दी से बताइए, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है? बेटा आप जो कह रहे हैं ना थ्योरी, थ्योरी आप ना, आपको मैं अभी एक क्लास दूंगा उसमें आप पढ़ सकते हो, बाकी आपके लिए प्लस कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लाइव अमर रेफर कोड यूज करके आप जुड़ सकते हैं थ्योरी के लिए, ठीक है? पूरी फुल थ्योरी। आंसर क्या? रफाल नडाल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन देखो, लेकिन 7 बजे भी आओ, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही करना। 7 बजे के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, ये रेगुलर क्लास होती है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पता है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। ठीक है बेटा, ये तो दुनिया जानती है, दुनिया नहीं वैसे भारत के लोग जानते होंगे, दुनिया क्यों जानेगी, ठीक है? मीरा कुमार इसका आंसर है, ठीक है? मीरा कुमार इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस सबसे हाई डेंसिटी होती है इस टेम्परेचर में ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉटर की सबसे हाई डेंसिटी होती है। वैसे भी वॉटर ना सबसे हाई डेंसिटी का होता है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉटर की डेंसिटी सबसे हाई है उसकी वैल्यू क्या, ठीक है? उसकी वैल्यू क्या है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना? आंसर क्या बेटा, याद रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है 1000 kg/m³ डेंसिटी है, वही मास पर वॉल्यूम जो अपना रखते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 7 बजे अपनी रेगुलर क्लास ये हो रही है, वाईफाई स्टडी पे इकलौती क्लास जो होती है 7 बजे होती है मेरी तरफ से, ये फिक्स टाइमिंग है, कल भी होगी, बस कल एक स्पेशल क्लास 2 बजे जरूर स्टार्ट कर देंगे। Which among the following state is the smallest in area? बताइए कौन सा स्टेट स्मॉलेस्ट है by area? ठीक है, अगर मैं साइज के अनुसार कहूं तो कौन सा स्टेट जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, कौन सा स्टेट सबसे स्मॉलेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। आसान है क्वेश्चन, आंसर क्या है? तमिलनाडु, ठीक है? अगर ये देखो क्वेश्चन तो आसान है समझते हैं, लेकिन हाँ ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ये नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा येन किस देश की करेंसी है? अच्छा क्वेश्चन, और ये आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है? येन जो है किस देश की करेंसी है, ठीक है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, येन किस देश की करेंसी है? चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, यस येन किस देश की करेंसी है? जापान। आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके ना युआन भी पूछा जाता है, जैसे जेन है वैसे युआन किसकी करेंसी है बेटा? चाइना की करेंसी है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं करना क्वेश्चन, करा हुआ क्वेश्चन है, बताइए ये दोनों क्वेश्चन करे हुए छोड़ेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहां पे लोकेट है? जल्दी से बताइएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ये कहां पे लोकेट है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहां पे लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर है हैदराबाद। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है? ये कोसकस जो है एक स्टेपल फूड है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि किस देश का ये ना स्टेपल फूड है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
बताइए कौन से देश का ये स्टेपल फूड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा, कौन से देश का ये स्टेपल फूड है जल्दी से बताइए बेटा। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना सारे के सारे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कॉर्सिकस जो है ये कौन से देश का एक स्टेपल फूड है जो यूनेस्को ने इसे कल्चर हेरिटेज लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है, यूनेस्को ने इसे कल्चर हेरिटेज लिस्ट में डाला हुआ। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नॉर्थ अफ्रीका। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है कहां पे, जल्दी से बताइए सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन का आंसर है चेन्नई, इसका आंसर है, ठीक है चेन्नई इसका आंसर है कि भाई चेन्नई में सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना लोकेटेड है। एक और क्वेश्चन देखो बताओ, टैमीफ्लू इज फ्रंटलाइन ड्रग अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपने सुना हो बताओ कि टैमीफ्लू एक ड्रग है, ठीक है दवाई है किस बीमारी की, जल्दी से बताइए टैमीफ्लू जो है ड्रग किस बीमारी का है, बताइए इस क्वेश्चन में बेटा। सेशन को ना सारे रेगुलर 7 बजे देख रहे हो ना, तो शेयर और लाइक कर दिया करो बढ़िया से, ठीक है आते जल्दी से शेयर कर दो। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, टैमीफ्लू किसका ड्रग है जल्दी से बताइए, है ना। चलो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, टैमीफ्लू किसका ड्रग है, बर्ड फ्लू का, ठीक है नाम से कहीं ना कहीं हमें पकड़ में आ रहा है कि फ्लू लिखा हुआ है बर्ड है ना, और फ्लू लिखा है तो कैंसर तो फ्लू पोलियो और ये सब तो फ्लू है नहीं है, है ना, जब ये फ्लू है नहीं तो ऑब्वियसली आंसर बर्ड फ्लू होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है ना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है ये क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंसिस होती है ना उसका है, क्या कह रहा है कि भाई जितने भी देश हैं यूनाइटेड नेशन बॉडी के अनुसार जितने भी देश हैं 2050 तक कितना टेम्परेचर को लिमिट करेंगे, ठीक है ये इनका टारगेट होना चाहिए हर देश का कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर को लिमिट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कितना टेम्परेचर को लिमिट करेंगे, आंसर इसका टू रिड्यूस द टेम्परेचर बाय 1.50 सेल्सियस, कितना 1.50 सेल्सियस, इसका आंसर है, महत्वपूर्ण सवाल है पूछा, ठीक है इतना रिड्यूस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया, पावर जनरेशन का सबसे लार्जेस्ट सोर्स क्या है जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, पावर जनरेशन का सबसे लार्जेस्ट सोर्स क्या है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सब जानते हैं यार हमारे देश में कोयला ही है, कोयले से करते हैं, ठीक है आंसर इस क्वेश्चन का थर्मल पावर है ना, सिंपल सा जवाब। चलो एक और क्वेश्चन देखो, रेगुलर देखो भाई क्लासेस, पढ़ने का फायदा तभी, देखो अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक एक्ट आया था ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है बहुत विवाद उठा इस पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट की सबसे पहली आलोचना किस राज्य के द्वारा की गई, आलोचना किसके द्वारा की गई कि भाई इस एक्ट को स्क्रैप करो ये एक्ट सही नहीं है, किस राज्य के द्वारा सबसे पहली आलोचना की गई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, मैं तो इस क्लास में ना अश्योरिटी ले रहा हूं कि मैं आपका 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करवा दूंगा, मतलब इतना क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन की अहमियत को समझ रहे हो ना तो आपका स्कोर है, लेकिन आप रेगुलर जुड़ो तब फायदा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है केरला है जितना अपडेट है सब हो रहा है, आसान नहीं है आंसर यार, केरला ने सबसे पहली आलोचना करी, किसने तय करी थी सबसे पहली आलोचना, केरला के द्वारा जो है ना सबसे पहली आलोचना की गई थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, अभी हम एक एसएससी गुरु चैनल पे पेपर करेंगे 8:30 बजे दोबारा, रेगुलर पेपर है बेटा, ठीक है रेगुलर पेपर है, आज भी होगा ये पेपर, ठीक है 8:30 बजे एसएससी गुरु चैनल पे, याद रखिएगा करोगे पेपर तो एसएससी गुरु चैनल सर्च करना, 8:30 बजे एग्जैक्ट टाइमिंग पर पहुंच जाना, ठीक है सीखने के बाद पेपर देना जरूरी होता है वैसे भी। नोबल गैस कैन फॉर्म कंपाउंड, कौन सा नोबल गैस है जो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा नोबल गैस है जो कि कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा जल्दी से बताइएगा, आसान है, ज़ेनोन कैन फॉर्म द कंपाउंड विद फ्लोरीन, ठीक है याद रखिएगा ज़ेनोन कैन फॉर्म द कंपाउंड विद फ्लोरीन, याद रखिएगा ज़ेनोन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, रूट ऑफ दिस प्लांट्स आर फाउंड अंडरग्राउंड, कौन सा ऐसा फल है जिसके, ये क्वेश्चन गलत है, स्टेटमेंट गलत है इसके, बताइए
मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी का नाम बताइए। ठीक है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी का नाम बताइए सारे के सारे। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी का क्या नाम है, कमेंट करिए। अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है कि मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी का क्या नाम है। अभी सोल्व करिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कि मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी क्या है। नए क्वेश्चन है सारे के सारे। जितने जैसे आप किसी क्लास में आते हो ना, जब क्लास में आते हो उसका फायदा तब है जब आप उसमें ना नए क्वेश्चन ले पा रहे। और मैं इस क्लास में और कोई भी मॉक टेस्ट कराता हूँ उसमें नए क्वेश्चन डालता हूँ। तो कल मैं मॉक टेस्ट में दोपहर 2 बजे वाईफाई स्टडी पे इतने नए क्वेश्चन डालूंगा, सारा पेपर ही आपको ऐसा लगेगा हाँ यार पेपर कर लेंगे। ठीक है, पेपर नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली, 25 में से 10 से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे किसी भी टेस्ट में। ठीक है, याद रख कल में। ठीक है, पुत्राजिया इसका आंसर है। नया क्वेश्चन था, बैक्टीरियल डिजीज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, गलत है क्वेश्चन, स्किप मारो, आंसर भी गलत है। हु फर्स्ट एवर प्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बोलिए। बेसिक एजुकेशन की थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक पूछा जा सकता है। ठीक है, बताइए बेसिक एजुकेशन की सबसे पहले थ्योरी किसके द्वारा दी गई। देखो यार, बेसिक एजुकेशन ना महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमें सबसे पहले ना गांव में ना जो है एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, शिक्षा, शिक्षा की बुनियाद जो होती है वो होती है बेसिक, और अपनी ही भाषा में। ठीक है, एडवांस लेवल पे आप 7th के बाद इंग्लिश डाल दो, ऐसे ये चीज इतनी भी सही नहीं, क्योंकि इंग्लिश स्टार्टिंग में ही सीखनी पड़ जाती है आज के समय में। तो महात्मा गांधी जी इसका आंसर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, युआन इज द क्वांटम कंप्यूटर डेवलप बाय विच कंट्री, कौन से देश के द्वारा ये क्वांटम कंप्यूटर डेवलप किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, जल्दी से बताएगा, कौन से देश के द्वारा ये क्वांटम कंप्यूटर डेवलप किया, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएगा। चलिए आंसर क्या है बेटा, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना के द्वारा जो है ये किया गया, चाइना के मिसाइल्स, चाइना की रॉकेट, सैटेलाइट्स, कंप्यूटर पढ़ने पड़ जाते हैं भाई। ठीक, ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, है ना। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए क्यूरी किसकी यूनिट है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो आंसर के, क्यूरी किसकी यूनिट है बेटा, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। किसकी, रेडियो एक्टिविटी की। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बताइए पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है फोटोसिंथेसिस का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से। अच्छे क्वेश्चन में से एक गलत होता है कई होगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है कई होगा गलत होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अस्त्रा एम की फर्स्ट मिसाइल, ठीक है, बोस सिस्टम, ये सब जो है, ठीक है, आर्म फोर्सेस को कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बना के दिया है। ठीक है, हमारी जो आर्म फोर्सेस है उन्हें किस ऑर्गेनाइजेशन ने बना के दिया है, जल्दी से बताइए। पूरा सिस्टम जितना भी है ये आर्म फोर्सेस को किस ऑर्गेनाइजेशन ने बना के दिया, जल्दी से बताइए। ठीक है, अस्त्रा, एमके फर्स्ट मिसाइल, IMSSAS, बोस सिस्टम, ये सब कुछ देखो किसने बनाया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, आंसर DRDO। अच्छा, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखो कौन कौन सा बच्चा कल दोबारा 7 बजे रेगुलर आने वाला है, क्योंकि कल मैं यहाँ पे बहुत क्वेश्चन उठाऊंगा, कल मैं 200 क्वेश्चन उठाऊंगा, आज तो 100 ही उठा पा रहा हूँ। ठीक है, कल मैं 200 क्वेश्चन उठाऊंगा, कौन कौन एग्जैक्ट वाईफाई स्टडी पे आने वाला है दोपहर 2 बजे, तो मैं कल स्पेशल क्लास करा रहा हूँ, वो तो देखोगे ही देखोगे, फायदा लेना है। तो दूसरा ये तो रेगुलर क्लास का बताओ, रेगुलर क्लास में कौन कौन आने वाला है, यस और नो। ठीक है, दोपहर 2 बजे तो आ ही जाना भाई, फायदा उठाना है अगर, क्योंकि ये कंटेंट बार बार नहीं मिलता मॉक टेस्ट वाला। हाँ जी, बताइए जवाहरलाल नेहरू, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल इज एसोसिएटेड विद जवाहरलाल नेहरू, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा स्कूल जवाहरलाल नेहरू से एसोसिएटेड है। देखो आप सभी जानते हैं अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल ये नाम, ठीक है, और ये नवोदय, याद रखिएगा सर्वोदय किससे संबंधित है, कभी भी आए वो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, और उनके फॉलोवर थे जयप्रकाश नारायण, उन सभी से संबंधित है, और नवोदय जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। ठीक है, दिमाग में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा,
नवोदया इसका आंसर है। और दोनों टाइप के स्कूल पाए जाते हैं भारत में, सरकारी स्कूल या तो सर्वोदया होंगे ठीक है या फिर नवोदया होंगे ठीक है, दिमाग में रखिए। दोनों टाइप के स्कूल पाए जाते हैं ठीक है, हमारे देश में दोनों टाइप के स्कूल है ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। जैसे मान लो एक बार मैग्नेट है, क्वेश्चन को समझो बेटा, पेपर दे लेना अभी एसएससी गुरु चैनल पे, हर एक बच्चा देगा। पेपर दोगे ना फायदा होगा, आप इस क्लास को पढ़ लो, इस क्लास का पीडीएफ भी कमेंट बॉक्स पे मिलता है, रेगुलर मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप कभी प्रैक्टिस कर रहे हो पढ़े हुए किसी के, वो करना जरूरी है। मैं ज्यादा समय ले रहा, 20 मिनट का पेपर होगा आज भी एसएससी गुरु चैनल पे ठीक है, एसएससी गुरु चैनल पे 20 मिनट का पेपर होगा, जरूर देना ठीक है, जरूर देना। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बार मैग्नेट को अगर मैं काट भी दूंगा ना तब भी कुछ चेंज नहीं होगा, रिमेन द सेम इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पे लोकेटेड है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो अच्छे क्वेश्चन में से आंसर क्या है, लखनऊ ठीक है, लखनऊ में इफेक्ट है, स्टैटिक जीके है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन ना, स्टैटिक जीके। एक और क्वेश्चन देखिएगा ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ एक चीज और, ये आपकी ठीक है ड्यू टू समझो या कुछ भी समझो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ठीक है योर विश। मैं बस आपको इतना कहूंगा, एक बार ही इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पे इसी क्लास के एंड होती है सर, जो भी बच्चा नया आता है ना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक बार ही सिर्फ दो वर्ड सर्च करो यूट्यूब पे, इंडियन पॉलिटी ये मैराथन आएगी, आप सिर्फ इसे 10 मिनट देखो, मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि 6 घंटे अभी देखना स्टार्ट करो, तो सिर्फ 10 मिनट देखो, आपको ना इसमें क्लियर कट हो जाएगा कि हाँ यार इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। एक हफ्ते में देखो, फिर दो हफ्ते में देखो, तीन हफ्ते में देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस स्टार्टिंग के 10 मिनट जरूर देखना, फुल एक्सप्लेनेशन, फुल थ्योरी, एक भी जगह क्वेश्चन नहीं, पूरी थ्योरी है, पूरी पॉलिटी एक जगह, इंडियन पॉलिटी सर्च करो, 6 घंटे का मैराथन सबसे ऊपर आएगा, अश्योरिटी देता हूं इस चीज, एक कर लेना है काम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे, कमेंट करिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। इसके नीचे इसकी पीडीएफ भी है पूरी, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पशुपति नाथ एक तरीके से शिव भगवान की पूजा करते हैं ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है, जल्दी से बताइए कौन से देश का, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, अमेरिका का ठीक है, अमेरिका का, पूरी दुनिया गलत करते हैं इसमें भी बच्चे, इसमें चाइना लगा देते हैं कुछ बच्चे, तो चाइना अमेरिका का है ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का भी रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है ठीक है, वी ऑल्सो कम इन द लिस्ट ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है ना सबसे बड़े देश, उसमें इंडिया भी आता है रेल नेटवर्क के मामले में, क्योंकि बहुत बड़ा रेल नेटवर्क है हमारा, सब कुछ सर्विस रेल नेटवर्क से ठीक है। ये नहीं करना, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, आयोडीन का बेस्ट सोर्स क्या है, जल्दी से, निम्नलिखित में से किसका आयोडीन का बेस्ट सोर्स है, जल्दी से बताइए, इसे कंज्यूम करना चाहिए जोइटर की बीमारी से बचने के लिए, इसे खा लेना चाहिए ठीक है समय समय पर। है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर क्या बेटा, आयोडीन का सोर्स क्या होता है, बीन्स होते हैं फलियां, उसमें होता है आयोडीन ठीक है, उसमें होता है आयोडीन सबसे ज्यादा मात्रा में ठीक है। अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये क्लास कर लेना बेटा जो भी बच्चा देख रहा है ठीक है, मेरे एंड से ये 10 बजे 10 मॉक टेस्ट कल दोपहर को वाईफाई स्टडी पे होंगे ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ जी बताइए इस क्वेश्चन का, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द मेमोरेंडम विद विच कंट्री फॉर द कॉर्पोरेशन फील्ड ऑफ क्वालिटी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के फील्ड में मेमोरेंडम इंडिया ने किस देश के साथ किया है ठीक है। टेक्स्ट है, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका भी समझो, जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, क्वेश्चन को ना बहुत आसान बनाने की कोशिश करनी होती है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है वो भी जरूरी है, कि बस इतना पूछ रहा है टेक्सटाइल के मामले में मेमोरेंडम भारत ने किसके साथ किया, बस इतना पेपर में ठीक है। आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जापान के साथ, जापान के साथ इंडिया बहुत सारे मेमोरेंडम कर रहा है ठीक है,
उसमें से एक ये है, बताइए फर्स्ट एवर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट एनएसएस हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बताइए इस क्वेश्चन का, एनएसएस सेकंड जो है ये पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है किसी भी देश के द्वारा जो बनाया जा सकता है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन, जापान वाले क्वेश्चन बहुत है भाई, जापान के क्वेश्चन तो अनगिनत। जापान ने इवन ये कहा है कि चाइना से हटा के हमारी फैक्ट्री, जैसे जापान की कोई भी कंपनी है अगर वो चाइना से हटा के इंडिया में कंपनी खोलती है ना, उसे सब्सिडी दी जाएगी। जापान इतना कुछ कर रहा है इंडिया के साथ अभी ना, कि चाइना से हटाओ कंपनी को और इंडिया में सेटअप करो तो हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। जापान सरकार इतना कर रही है इंडिया के साथ अभी। साउथ कोरिया इसका आंसर, साउथ कोरिया पहला देश बना जिसने, इसकी पार्लियामेंट ने सेम सेक्स मैरिज को बैन करा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी किस कंसेप्ट से संबंधित है। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी किस कंसेप्ट से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी किस कंसेप्ट से संबंधित है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, किससे संबंधित है तो याद रखना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI से संबंधित इंश्योरेंस है यार संजीवनी एक तरीके से। एक और क्वेश्चन देखिए, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, आसान सस्ता सवाल, आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इस समय हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल की बहुत ज्यादा जरूरत है। बेटा सेशन को लाइक करो सारे के सारे, है ना, जल्दी से लाइक करो, कमेंट बॉक्स में PDF में डाल दूंगा। 7 बजे ये क्लास रेगुलर होती है, 8:30 बजे पेपर देने SSC गुरु चैनल पे जरूर आ जाना। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं बच्चों का कि जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है वो मेरा पेपर तो दे ले, जिससे हमें ये तो रहे कि हमने सिखाया और उसमें से कुछ आया कि नहीं, पता चलता रहता। ठीक है, SSC गुरु चैनल पे 8:30 बजे पेपर कराऊंगा। अभी डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, सिंपल सा डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, बताइए विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू फेस आउट ऑल द ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, कि मतलब ऑयल एक्सप्लोरेट नहीं करेंगे 2050 के बाद, ये कौन सा देश कहा है। बताइए ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे 2050 के बाद, बताइए किस देश ने कहा ऐसा। बताइए अच्छा क्वेश्चन है, चलो याद रखना ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे ये कौन सा देश का है, याद रखना आंसर डेनमार्क, डेनमार्क कहा है ऐसा। ठीक है, डेनमार्क कहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इसको, विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, कौन सी सिटी जो है इंडिया की जिसे सिलिकन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छे क्वेश्चन में से एक आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए विच वन इज अ प्योर एलिमेंट, इसमें से कौन सा प्योर एलिमेंट है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए इसमें से कौन सा प्योर एलिमेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है चलो जी, आसान है, देखो एलिमेंट कह रहा है, ग्लास सिंथेटिक 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 सोडियम दे रखा है एलिमेंट, है ना, डन है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सी इसका आंसर है। एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर है सी। देखो साइंस का एक आसान क्वेश्चन जो बड़े साइज में दे रखा, बड़े साइज के क्वेश्चन से डरना बिल्कुल कुछ भी नहीं होते। कह रहा है दो वेक्टर मान लो, एक F force 1 है और एक F force 2 है, ये दोनों कब इक्वल होंगे, तभी तो इक्वल होंगे ना जब इनका मैग्नीट्यूड और इनका डायरेक्शन, क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही तो होता है वेक्टर में, वो बराबर हो तो इक्वल होंगे। F1 और F2 जो है वेक्टर के फॉर्म में इक्वल तब होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो, बराबर बात है ना। ठीक है, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन में, ये इसका आंसर है। ठीक है, बी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, युआन किसकी करेंसी, अभी पढ़ाया था, बोला येन की करेंसी जापान की, है ना, येन करेंसी जापान की, तभी बताया युआन करेंसी किसकी, कौन से देश की, तभी बताया युआन करेंसी किस देश की, चाइना की। ठीक है, चलो तो आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखिए, चलो हो गए फाइनल क्वेश्चन। दोस्त मैं आपको एक चीज बताऊं, आप एक तो मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल फॉलो करने के लिए ना ऊपर एक मैंने लिंक दिया है लूसेंट सीरीज, रात को 10 बजे मैं क्लास कराऊंगा, उसका लिंक है, मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल भी वहीं से एक्सेस कर सकते हो, उसको नोटिफाई करना, इस रेफर कोड को यूज करके लिंक ओपन करो, नोटिफाई करो। इंडियन पॉलिटी एक बार ही सर्च कर लो, जो मैंने आपको अभी बोला है इंडियन पॉलिटी सर्च करना अनिवार्य है, तो सर्च कर लो सारे के सारे, और SSC गुरु चैनल अभी 8:30 बजे सर्च करना। मैं आपको ज्यादा समय नहीं कहूंगा कि आपको मैं ज्यादा समय लेना चाहता हूं, मैं 7 बजे एक क्लास रेगुलर कराता हूं, डेली वाईफाई शरीफ पे कराता हूं, उसके बाद एक छोटा सा पेपर 20 मिनट का, ज्यादा समय नहीं, 20 मिनट का 8:30 बजे पेपर ले रहा हूं SSC गुरु चैनल।
अगर आप दे देते हो ना पेपर तो आपका बेनिफिट है। तो एसएससी गुरु चैनल अभी 8:30 बजे तक सर्च करना, मेरा पेपर मिलेगा पीवाईक्यू लाइव टेस्ट डेली होता है, 7 बजे वाली क्लास हो रही है तो ये पेपर जरूर होगा। ठीक है, तो ये सीखो और टेस्ट दो, सीखो टेस्ट दो का फंडा है। तो ये काम कर लो, आप ये 10 बजे वाली क्लास ऊपर लूसेंट सीरीज लगा दिया, इसको नोटिफाई करो, इस रेफर कोड को यूज करें, लाइव अमन रेफर कोड को यूज करके सारे के सारे बच्चे ओपन कर लो, इंडियन पॉलिटी सर्च कर लेना समय रहते, क्योंकि थ्योरी का पूरा कंसेप्ट है, एक बार सर्च कर लो अभी इस क्लास के एंड होते है ना। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन भी ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। देखो हम तो मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। संकल्प बैच भी लाइव है, सफलता बैच भी लाइव है, और दोनों एक साथ लाइव कर दिए मैंने 12 तारीख को, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अनअकैडमी के हर टीचर का क्लास मिल जाएगा, इसमें हर सब्जेक्ट मिल जाएगा, A to Z बैच मिल जाएंगे, सारी टेस्ट सीरीज, सारे मॉक टेस्ट, सब कुछ। रेफर कोड यूज करिएगा, डिस्काउंट्स भी हो जाएंगे लाइव अमन रेफर कोड से, सारे ऑफर जो है ना फ्री, 4 मंथ एक्स्ट्रा, 2 मंथ एक्स्ट्रा, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। जैसे आप एक कोर्स लेने जा रहे हो अनअकैडमी, एसएससी कोड सिलेक्ट करो, कैश में क्लिक करो, मन सिलेक्ट करके हैव अ रेफर कोड में ये लगाते ही या सारे अनअकैडमी के ऑफर आपके पास आ जाए। ठीक है, इसी से आप मेरी ऊपर लूसेंट की जो क्लास दे रखी है उसका लिंक ओपन कर सकते हो, फ्री क्लास है वो, तो उसे तो ओपन कर लो खैर, और प्लस कोर्सेज में इस रेफर कोड को यूज करके आप ज्वाइन करो, प्लस कोर्सेज बेनिफिशियल आपके लिए, बहुत कम फीस है इस समय। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से कहां पर, रात को 8:30 बजे एसएससी गुरु चैनल पे, आधे घंटे बाद सभी के सभी कनेक्ट करिएगा, मिलते हैं आधे घंटे बाद एसएससी गुरु चैनल पे। सेशन को लाइक सारे के सारे कर दो, शेयर सारे।